हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल ऑफ कंप्लीट कोर्स यूजीसी एनटीए नेट टूरिज्म बैच सेकंड। ओके, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज 22 अगस्त है, रक्षाबंधन है और आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइज, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी होने वाला है, पर जो भी एस्पिरेंट अक्टूबर यूजीसी एनटीए नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है टूरिज्म के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत ज्यादा हेल्प इसे गाइज मिलने वाली है। तो गाइज, ये बैच सेकेंड है। एज यू नो, हमारा जो बैच वन था वो मार्च अप्रैल में हुआ था, क्योंकि पहले ये एग्जाम मई में होने वाला था एज वी ऑल नो, बट ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना ये एग्जाम मई में नहीं हो पाया। ओके, फिर ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अभी जैसे कि हमें मालूम है, ये जो 10 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग 6 अक्टूबर से लेके 6 से 11 तक आपका ये एग्जाम जो है वो होना है। तो आइए पहले देखते हैं गाइज की वो नोटिफिकेशन क्या है। गाइज, ये वो नोटिफिकेशन थी जो 10 अगस्त को एनटीए की वेबसाइट पे आई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो 2020 दिसंबर का जो नेट था और जो 21 जून का नेट था, दोनों को मर्ज कर दिया गया है और अब ये एग्जाम जो है वो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर के बीच में शेड्यूल है, प्लान्ड है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो पोर्टल है वो फिर से ओपन हो चुका है। दो जिन्होंने पहले भर रखा था, ओके, उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पहले नहीं भर पाए थे किसी कारणवश वो भर सकते हैं और जो न्यू कैंडिडेट हैं वो भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, वी आर लेफ्ट विद ओनली 45 डेज। अगर मैं आज से डेज को काउंट करना शुरू करता हूँ तो हमारे पास जो है वो 45 डेज गाइज बचे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको इस बैच के वो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लेंथी बन जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट यहाँ पे गाइज नहीं बचने वाला है। ओके, तो जैसे कि आपको बताया, दिस इज टाइम टेबल कंप्लीट कोर्स यूजीसी एनटीए नेट टूरिज्म बैच 2। ये सेकंड बैच है 2021 का, जो हम आज से ही शुरू करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम, ये हम आज से ही शुरू करेंगे जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज 22 अगस्त 2021। आज से लेके 5 अक्टूबर तक ये बैच चलने वाला है। अगर आप आज से लेके 5 अक्टूबर तक डेज को काउंट करेंगे तो गाइस ये डेज बनने वाले हैं 45 डेज। तो 45 डेज लगातार हम टूरिज्म की तैयारी करने वाले हैं और विल ट्राई टू क्रैक दिस एग्जाम। टाइमिंग क्या रहने वाली है? दो जो कोर्स है, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ही थोड़ी देर बाद, उस कोर्स में सारे नोट्स, वीडियोस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर। ओके, उसके अलावा जो मैं नोट्स बीच में बनाता जाऊंगा, जो मेरे को कंटेंट मिलता जाएगा, जो अपलोड किया जाएगा, जैसे कि आपके क्लास टेस्ट लिए जाएंगे आफ्टर एवरी यूनिट, तो उनको जो अपलोड करने का गाइस टाइम रहेगा वो रहेगा 9 to 10 PM। ओके, आई ट्राई टू अपलोड एट दिस टाइम, बट मैं किसी भी टाइम अपलोड कर सकता हूँ। व्हेन एवर आई विल अपलोड एनी कंटेंट इन दैट कोर्स, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। ओके, बट अगर मैं यहाँ इस टाइम टेबल की बात करूँ तो 9 से 10 बजे के बीच में जो भी नोट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, MCQs होंगे या कोई वीडियोज होंगे, वो इसमें अपलोड किए जाएंगे। मंडे टू सैटरडे ये टाइम हमारा रहने वाला है। ओके, जो क्रक्स है, दैट इज आफ्टर एवरी यूनिट यू विल गेट अ क्लास टेस्ट, ताकि आपको ये मालूम पड़ता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है। ओके, एंड संडे विल बी ऑफ, बिकॉज रेस्ट इज बेस्ट बिफोर द टेस्ट एंड रेस्ट इज बेस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ओके, लिटिल बिट ऑफ रेस्ट। कैसे कंटेंट हमारा चलने वाला है, कैसे ये पूरा कोर्स चलने वाला है, 22 अगस्त मीन आज से लेके 3 दिन तक, 24 अगस्त तक, यू विल गो थ्रू द PDF वीडियोज एंड अवेलेबल स्टफ ऑफ यूनिट 1 इन द कोर्स। कोर्स में ऑलरेडी सब कुछ है, उसको आप 3 दिन पढ़ेंगे। 25 अगस्त को मैं आपको यूनिट 1 का क्लास टेस्ट दूंगा, साथ में 2012 में जो नेट के एग्जाम हुए थे टूरिज्म के, ओके गाइज,
उन सभी एग्जाम्स को जो क्वेश्चन पेपर थे उनको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया गया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे एनटीए आपका एग्जाम लेता है, सीबीटी मोड पे, आप सभी को मालूम है। ताकि आप जब एग्जाम में गाइस जाएंगे मेरे कोर्स को लेने के बाद, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद, आपको बहुत कम डिफरेंस दिखेगा। जैस जिस प्लेटफॉर्म पे जो सॉफ्टवेयर है बिल्कुल उसी की सिमुलेशन है, ओके, वैसा ही प्लेटफॉर्म आपको देने की कोशिश की गई है। तो जो 2012 में नेट टूरिज्म का एग्जाम हुआ था, जो पेपर थे उनको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया गया है। आप उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, जैसे आप सबमिट करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा विद आंसर की, ओके, कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए, आपके 100 में से कितने मार्क्स आए। तो यूनिट वन करेंगे 22 से लेकर 24 तक, फिर उसका क्लास टेस्ट मिलेगा, फिर उसका फिर 2012 के आपको टूरिज्म के पेपर मिलेंगे। ऐसा ही पैटर्न सभी यूनिट्स के लिए किया गया है। यहाँ 26 से 28 तक यूनिट टू, 29 अगस्त को यूनिट टू का क्लास टेस्ट एंड 2013 के नेट के पेपर। उसके बाद 30 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक यूनिट थ्री, 2 सितंबर को क्लास टेस्ट ऑफ यूनिट थ्री एंड साथ मिलेंगे 2014 के नेट टूरिज्म के पेपर। 3 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक यूनिट फोर, 7 सितंबर को यूनिट फोर का क्लास टेस्ट एंड मॉक टेस्ट ऑफ 2015 नेट टूरिज्म पेपर्स। 8 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक यूनिट फाइव के जो नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वीडियोस हैं, एवरीथिंग इज देयर, आप उसको पढ़ेंगे, कोई डाउट होगा आप मेरे से पूछेंगे थ्रू चैटिंग, ओके। 13 सितंबर यूनिट फाइव क्लास टेस्ट एंड साथ में 2016 के नेट टूरिज्म के पेपर आपको दिए जाएंगे। 14 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक आप पढ़ेंगे यूनिट 6, नोट्स आर देयर इन द कोर्स। 18 सितंबर को यूनिट 6 का क्लास टेस्ट मिलेगा एंड मॉक टेस्ट ऑफ 2017 नेट टूरिज्म पेपर्स। 20 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक आप पढ़ने वाले हैं यूनिट 7। 23 सितंबर को आपको मिलेगा यूनिट 7 का क्लास टेस्ट एंड 2018 के नेट टूरिज्म के पेपर्स। 24 सितंबर टू 26 ऑफ सितंबर यू विल गो थ्रू द नोट्स एंड पीडीएफ्स एंड वीडियोज ऑफ यूनिट 8 प्रेजेंट इन माई कोर्स एंड ऑन 27th ऑफ सेप्टेम्बर आई विल गिव यू द क्लास टेस्ट फॉर यूनिट 8 अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट ऑफ 2019 नेट टूरिज्म पेपर्स, ओके। देन 28 सेप्टेम्बर टू 30th सेप्टेम्बर आप पढ़ेंगे यूनिट 9, ओके। 1 अक्टूबर को आपको मिलने वाला है यूनिट 9 का क्लास टेस्ट, है ना, एंड साथ में मिलेंगे 2020 का जो हाल ही में पेपर हुआ था नेट टूरिज्म का, वो सॉल्व मॉक टेस्ट। और 2 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक आप पढ़ेंगे गाइस यूनिट 10, ओके। और 4 अक्टूबर को ही आपको मिलेगा यूनिट 10 का क्लास टेस्ट, प्लस एक मॉडल पेपर आपके लिए मैं डिजाइन करूंगा जिसमें न्यू क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। एक मॉडल सेट रहेगा आपके लिए, जैसे कि आपका अक्टूबर में एग्जाम गाइस आने वाला है। तो 4 अक्टूबर तक हम पूरा सिलेबस पढ़ के खत्म कर चुके होंगे। 5 अक्टूबर को आप एक लास्ट में एक लाइव सेशन लूंगा, ओके। वहां पे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम स्ट्रेटेजीज, ओके, मोटिवेशनल लेक्चर विद टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स, ओके गाइस। ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ जो हमारा टाइम टेबल है, वो क्लासेस हैं, वो सब कुछ मॉक टेस्ट कहाँ पे चलने वाला है। तो गाइस ये सब कुछ चलेगा मेरी एप्लीकेशन पे, मेरी अपनी एप्लीकेशन पे जिसका नाम है राणा एजुकेशन। राणा एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद गाइस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टोर पे। अगर आपको नहीं पता है कि इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, तो इसका एक लिंक, एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है जहाँ पे आपको ये समझाया गया है कि कैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके गाइज आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। तो स्टोर पे क्लिक करने के बाद गाइज आपने जाना है यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट, ओके। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आप देखेंगे आपको यहाँ पे 2 कोर्स दिखने वाले हैं, एक का नाम है टूरिज्म बेसिक और एक का नाम है टूरिज्म प्लस। गाइज पहले इस कोर्स का प्राइस था 3500, जो बेसिक था इसका प्राइस था 3500 और जो प्लस था इसका प्राइस था 5000। बट अब क्योंकि पैंडेमिक है, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो अभी डिस्काउंट दे दिया गया है गाइज। और अब 3500 वाला जो कोर्स था वो आपको पड़ेगा 2499 ओनली, जो बेसिक वाला है।
और जो प्लस था गाइस उसका प्राइस अब पड़ेगा आपको 3999। ओके दोनों में फर्क क्या है गाइस, जो बेसिक है उसमें सिर्फ एंड सिर्फ पेपर टू कवर किया गया है, लेकिन जो प्लस है गाइस वहां पे आपको पेपर वन की 4 यूनिट्स भी मिलती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड योर रीजनिंग। ओके, ये वो 4 यूनिट्स भी गाइस इसमें कवर की गई हैं। ओके, तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये कोर्स आपके सामने खुल जाता है ना। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। तो ये जानने के लिए आप जैसे ही रीड मोर पे क्लिक करते हैं गाइस, तो रीड मोर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगी कि इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट पॉइंट है वीडियोज, लेक्चर्स, पीडीएफ लेक्चर्स एंड एमसीक्यूज फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पेपर वन के 4 यूनिट्स भी हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। सेकेंड पॉइंट है कंप्लीट पीडीएफ नोट्स ऑफ 10 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। जैसे आपको पता है कि 2019 में इसका सिलेबस चेंज हुआ है, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी यूनिट्स के सभी टॉपिक्स को ढूंढ ढूंढ के अलग अलग बुक्स से, गूगल से, सभी प्लेटफॉर्म से कंपाइल करके पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया है, वो सब कुछ आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, बहुत सारे टॉपिक्स को समझाया भी हुआ है। ओके, उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट है प्रीवियस ईयर सॉल्वड क्वेश्चन पेपर, है ना। जैसे अभी टाइम टेबल में डिस्कस किया हमने कि 2012 से लेकर 2020 तक के सभी जो नेट के टूरिज्म के एग्जाम हुए हैं उन सभी को मॉक टेस्ट में कन्वर्ट करके आपके लिए डिजाइन किया गया है। देन फिफ्थ पॉइंट आप देखें पीएचडी टूरिज्म एंट्रेंस एग्जाम, ओके, उनके क्वेश्चन पेपर। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पंजाब यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा है, एचपीयू शिमला है ना, ये सभी टूरिज्म में पीएचडी करवाते हैं और टूरिज्म के लिए वो एक एग्जाम लेते हैं। वो सारे क्वेश्चन पेपर गाइज आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। देन मंथ वाइज जीके, ओके, सो 2018 जनवरी से लेके टिल जनवरी 2021 मंथ वाइज जीके गाइज आपको यहाँ पे मिलेगा मॉक टेस्ट, सभी टॉपिक्स के मॉक टेस्ट यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, है ना, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे ही डिजाइन किए हुए हैं जैसे कि आपका एनटीए एग्जाम लेगा। एमसीक्यूज आफ्टर एवरी यूनिट, सभी यूनिट्स के बाद आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन होगी कि क्या क्या आपको इस कोर्स में मिलने वाला है, प्लस इसकी वैलिडिटी क्या है। इसकी वैलिडिटी है 4 मंथ्स, है ना, वैलिडिटी है 4 मंथ्स, मीन्स जिस डेट से आप इसको परचेज करेंगे उस डेट से लेके 4 मंथ्स तक आप इस सभी स्टफ को, नंबर ऑफ टाइम कोई लिमिट नहीं है, उसको आप असेस कर सकते हैं, है ना। देन कंटेंट पे गाइस आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसका कंटेंट आपके सामने खुल जाता है। बहुत ही सीक्वेंस में आपके लिए कंटेंट बनाया हुआ है। फर्स्ट इज ओपनिंग लेक्चर विद मोटिवेशन। सो क्या है इसमें कि कैसे एक टाइम टेबल बनाया जाता है, कैसे डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन से आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे एक लेक्चर से आपको समझाया हुआ है। देन उसका सिलेबस, पेपर वन एंड पेपर टू का सिलेबस। देन यू नो पेपर वन स्टडी मटेरियल, क्योंकि ये प्लस वाला कोर्स है, यहाँ पे मैंने कहा था कि पेपर वन की 4 यूनिट्स भी आपको मिलती हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आरसी एंड लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, इन सभी के वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट बहुत सारे गाइज यहाँ पे अवेलेबल हैं। देन पेपर टू पे हम आ जाते हैं, पेपर टू स्टडी मटेरियल। ओके, ऑल यूनिट्स यहाँ पे देखेंगे, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, है ना, आप किसी पे भी क्लिक कर लो। डेमो के लिए आपको फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये पीडीएफ फाइल देखें आप, पूरा सिलेबस जो फर्स्ट यूनिट का है पूरा इसमें कवर किया गया है इन पीडीएफ फाइल में, प्लस जैसे लीपर मॉडल है तो उसको समझाया गया है, है ना। देन एमसीक्यूज इस पे अवेलेबल हैं। वैसे ही गाइस आपकी सेकंड यूनिट होगी, है ना, सेकंड यूनिट है, वैसे ही थर्ड है, टिल 10th यूनिट सभी के, यू नो एक यूनिट के 5 या 6 पीडीएफ फाइल तो है ही है, है ना, और एक पीडीएफ फाइल में 100 पेजेस, 150 पेजेस, जितने भी कई पीडीएफ में आप 250 पेजेस भी दिखेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी यूनिट्स हैं आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ गाइस आपको यहाँ पे मिलता है। देन उसके बाद पेपर टू स्टडी मटेरियल हो गया, देन मॉक टेस्ट, मैंने कहा था मॉक टेस्ट इस कोर्स का क्रक्स है। ओके, जैसे कि अगर आपको मैं पेपर वन का मॉक टेस्ट दिखाऊं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, प्रीव्यू हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर प्रीव्यू में दिखाऊं तो ये क्वेश्चन है ना, तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा, आप किसी भी क्वेश्चन पे कभी भी जंप कर सकते हैं। ओके, और बिल्कुल एनटीए भी आपका ऐसा ही, यहाँ पे करेक्ट लिखा है, यू नो इनकरेक्ट लिखा है, मार्क्ड फॉर रिव्यू, ये सब बिल्कुल वैसा ही प्लेटफॉर्म है जैसा कि आपका
एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है सीबीटी मोड पे। ऑलराइट गाइस, ये मॉक गाइस वैसे ही देखो आप, पेपर टू के मॉक टेस्ट आपके सामने यहाँ पे हैं। 63 मॉक टेस्ट ऑलरेडी पेपर टू के अपलोडेड हैं। पेपर टू पे यहाँ पे मॉक टेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यूनिट वाइज आपके सामने मॉक टेस्ट गाइस खुल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिट वन में 11 मॉक टेस्ट हैं। 11 मॉक टेस्ट मीन एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे यूनिट टू के 4 मॉक टेस्ट हैं। एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन मीन 80 क्वेश्चन सेकंड यूनिट के हैं, जो बिल्कुल एनटीए के तर्ज पे आपके लिए बनाए गए हैं। ये गाइस जो बैच वन हमारा चला था मार्च और अप्रैल और मई में, उसमें जो मॉक टेस्ट बनाए गए थे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इनमें और भी एडिशन टाइम टू टाइम गाइस की जाती है। देन ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 2012 ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे क्या है कि हार्ड उसकी सॉफ्ट कॉपी भी है, पीडीएफ भी है पेपर के आंसर की भी है, और मॉक टेस्ट तो आपको टाइम टेबल मैंने आपको बता ही दिया कि उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। ये पीएचडी टूरिज्म एंट्रेंस एग्जाम, जैसे यहाँ पे देखें पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी, देन पीटीयू है, देन एचपीयू है, सभी में जो टूरिज्म पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ है वो सभी क्वेश्चन पेपर वाइज आपको यहाँ पे मिलते हैं, है ना। उसके बाद है मंथ वाइज जीके, मैंने आपको कहा था एक वीडियो में आपको समझाया हुआ है यहाँ पे कि कहाँ पे आपको मंथ वाइज जीके 2018 जैन ऑनवर्ड्स मिलने वाला है। देन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री न्यूज मंथ वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके सिक्स्थ जो यूनिट है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ही है, होटल इंडस्ट्री से ही है, तो व्हाट इज हैपनिंग इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, है ना, वो बहुत जरूरी है। तो जनवरी 2020 से लेके टिल, है ना, टिल आपको ये देखो जनवरी 2020 से लेके जनवरी 21 तक ये अपडेट किया जा चुका है। इसमें मंथ वाइज अपडेशन हैपनिंग्स जो हुई हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लास्ट में आता है हमारा मोटिवेशनल एंडिंग, तो अगेन टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग, मूड स्विंग, ओके, एक्स्ट्रा एग्जाम स्ट्रेटेजी ट्रिक्स, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाया हुआ है। तो ऐसे करके हमारा ये जो पूरा स्टडी प्लान है वो वर्क करेगा, ओके। एंड ये मेरे प्लेटफॉर्म है गाइज। अब यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं बच्चों के जो रहते हैं रिगार्डिंग माय ऐप, ओके, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, वो कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं, ओके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है हाउ टू डाउनलोड ऐप। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, एंड्रॉयड पे कैसे करना है, iOS पे कैसे करना है, उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको देख के आप इस ऐप को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। फिर जो बहुत कॉमन सी क्वेरी रहती है कि कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करनी है, ओके, उस पे उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया है कि हाउ यू कैन डू पेमेंट, हाउ यू कैन ज्वाइन द कोर्स, उसको देख के आप इस कोर्स को गाइज ज्वाइन कर सकते हैं। देन हाँ, जो रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, ये पीडीएफ फाइल हैं, वो कैसी होंगी, उसका डेमो, तो गाइज डेमो वीडियो का डेमो और पीडीएफ का डेमो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे वीडियोज आपको मिलने वाले हैं, कैसी पीडीएफ फाइल आपको मिलने वाली हैं, मॉक टेस्ट कैसे होंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे एनटीए आपका एग्जाम लेता है, उसका एक कम्प्लीट डेमो अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। प्लस इसमें है कि नेक्स्ट क्वेरी है, ये ऐप हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं गाइज। इस ऐप को आप अपने फोन पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे, डेस्कटॉप पे, कहीं भी एंड्रॉयड पे, iOS पे इसको आप असेस कर सकते हैं, ओके। हाँ, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, लाइक करें, शेयर करें और इस कोर्स को ज्वाइन करें। हाँ, कुछ चार्जेस के रखे हुए हैं गाइज, ये चार्जेस इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आप भी देखते होंगे, आप भी गूगल पे सर्च करते होंगे, टूरिज्म के लिए कोई इतनी पेन लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि टूरिज्म इतना फेमस सब्जेक्ट नहीं है, ओके। अगर आप एनटी का ही डाटा देखें तो 2500 और 3000 स्टूडेंट्स हर 6 महीने में इस एग्जाम को देते हैं, ओके, तो 2500 बच्चों के लिए कोई इतनी पेन नहीं लेता है। लेकिन क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैंने 2 बार इसमें नेट किया है, सेट किया है, अभी मैं पीएचडी भी टूरिज्म में कर रहा हूँ, और जब मैंने नेट किया था तो मैं बहुत ढूंढता था यूट्यूब पे, मुझे कहीं कुछ नहीं मिलता था, ओके। तो गाइज मैंने ये सोचा था कि जब मैं कर लूंगा तो मैं एक जरूर बनाऊंगा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बच्चों को बहुत आसानी हो सके, उनको बहुत इजिली पूरा स्टफ, पूरा मटेरियल मिल सके, ओके।
और गाइज ये पूरा जो ऐप है, वेबसाइट है, यू नो मॉक टेस्ट है, ये मैं इतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ, मेरे पास एक टीम है ओके, जिनको मैंने हायर किया हुआ है, तो उनको सैलरी देनी पड़ती है गाइज, तो इसलिए इसका कुछ प्राइस रखा हुआ है ओके। सो आई होप कि आप इस कोर्स को परचेज करेंगे और कल से हम गाइज यहाँ पे जो भी आपको बताया हुआ है वो हम शुरू करने वाले हैं। कोई क्वेरी है आपकी गाइज, तो इस वीडियो के लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू टुमारो इन द क्लास। बाय बाय, टेक केयर।